हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू क्लरी कंसेप्टअल लर्निंग आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाला है व्हाट इज डायमेंशनल होमोजेनिटी बट इस टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैं कुछ फोकस डालना चाहूँगा डायमेंशन के ऊपर ताकि आपको ये प्रिंसिपल को समझने में और आसानी रहे तो इमेजिन करिए अपने आप को दैट यू आर ट्रेवलिंग इन अ कार फ्रॉम हमलेट से अ प्लेस कॉल्ड सूरत इन गुजरात सूरत से लेकर के आप जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद तक ठीक है अब इस जर्नी में कोई पूछता है आपको कि भाई कितना घंटा लगा आपको कितना टाइम लगा सो so, हम कहते हैं कि भाई नहीं टाइम मुझे साढ़े चार घंटा लगभग लगे कार में तो ये टाइम जो है वो क्या है टाइम इज नॉन एज डायमेंशन ठीक है तो डायमेंशन का मीनिंग क्या हुआ दैट कोई ऐसी क्वांटिटी जिसको आप रिफ़र कर रहे हैं तो हम टाइम को रिफ़र कर रहे तो टाइम इज़ दी डायमेंशन अब आप कहते हो कि चार पॉइंट पाँच आवर्स तो आवर्स क्या हुआ उसका यूनिट हुआ अब आपके साथ में आपका दोस्त बैठा हुआ है आपका दोस्त ये कहेगा कि नहीं भाई साढ़े चार घंटे तो नहीं खाएंगे बट मुझे टाइम लगा टू सेवेंटी मिनट चार घंटे कितने मिनट होती है दो सौ चालीस और आधा घंटा का तीस मिनट टू सेवेंटी टू फोर्टी प्लस टू तो अब यहां पर देखिए किसी ने साढ़े चार यूज किया नंबर किसी ने टू सेवेंटी यूज किया क्यों क्योंकि साढ़े चार वैल्यू और टू सेवेंटी डिपेंड किस करती है आप कौन सा यूनिट यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है तो ये मिनट्स भी एक यूनिट ही है तो टाइम जो एक डायमेंशन है उसको मेजर किस में कर सकते हैं वो उसका यूनिट है ठीक है आप मेजर कर सकते हैं मतलब कि क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं मतलब कि हाउ कैन यू असाइन अ नंबर टू द डायमेंशन तो नंबर जो होता है वो डिपेंड करेगा उस यूनिट के ऊपर ठीक है तो इसका मीनिंग हम अगर डिफाइन करें तो अ डायमेंशन इज अ मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यूज तो ये जो टाइम है टाइम लेंथ एरिया मास वॉल्यूम ये सारे डायमेंशन है ठीक है विदाउट अ न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट इज अ वे टू असाइन अ नंबर टू दायमेंशन की यूनिट वो है एक तरीका है जिसके कारण नंबर आप असाइन करता हो ताकि वो मोर मीनिंगफुल चीज बाहर आए उसको क्वान्टिफाई कर सको ठीक है नव लेटेस्ट लुक एट द प्राइमरी डायमेंशन जो अवेलेबल है और उसके कुछ यूनिट्स तो इन जनरल वी हैव सेवन प्राइमरी डायमेंशन मास लेंथ टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ मैटर ये सात प्राइमरी डायमेंशन है अब प्राइमरी क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि बाकी डायमेंशन जो है वो इसके ऊपर कह सकते हो डिपेंडेंट है या इसको यूज करके डिराइव हुए हैं तो वो सेकेंडरी डायमेंशन है अब इनके यूनिट्स क्या है मास को सिम्बोलिकली हम एम कहता है और उसका ऐसा यूनिट है के जी ऐसा यूनिट लेंथ को सिम्बोलिकली हम एल कहते हैं उसका ऐसा यूनिट है मीटर टाइम को हम कहते हैं टी उसका ऐसा यूनिट है सेकेंड टेम्परेचर को ठीठा करते हैं सिम्बोलिकली और उसका ऐसा यूनिट कैलविन इलेक्ट्रिक करंट को आप मेजर करते हैं एम्पियर में अमाउंट ऑफ लाइट को मेजर करते हैं कैंडेला में अमाउंट ऑफ मैटर को मॉल में तो ये सारे क्या है प्राइमरी प्राइमरी डायमेंशनस है और उनके ऐसा यूनिट है और उनके सिम्बॉल्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो मतलब जिसको यूज़ करते हो उसको सिम्बोलाइज करने के लिए अब कुछ हम एग्जाम्पल भी देखते हैं जहां पर सेकेंडरी यूनिट है से, फिजिकल क्वांटिटीज है प्राइमरी क्वांटिटी को यूज करके तो अब मुझे बताइए वेलोसिटी का मुझे अगर निकालना होगा डायमेंशन और ऐसा यूनिट तो कैसे निकालेंगे पहले तो ऐसा यूनिट क्या है वेलोसिटी का मीटर्स पर सेकेंड है अब ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है मतलब क्या मीटर इज द लेंथ क्वांटिटी मतलब एल डिवाइड बाई सेकंड इज द टाइम टी तो ये अल्टीमेटली क्या होगा एल वन टी माइनस वन तो ये जो डायमेंशन हुआ वेलोसिटी का वो हुआ एल वन t माइनस वन और इसका ऐसा यूनिट हुआ मीटरस पर सेकेंड ठीक है सेकेंड एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम सिंबोलिकली क्या लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्या हो गया मीटर इज लेंथ टाइम सेकेंड उसका स्क्वायर है तो ये हो गया एल टी माइनस टू या एल वन टी माइनस टू कुछ भी कह सकते हो आप वन नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो वन ही ट्रीट करेंगे हम लोग ठीक है तो एल वन टी माइनस टू फोर्स फोर्स मेजर करता है न्यूटन में फ्यू रिमेंबर तो फोर्स इज इन न्यूटन और न्यूटन क्या है न्यूटन इज मास इन टू एक्सेलरेशन तो न्यूटन को हम कह सकते हैं दिस इज के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थोड़ा डिराइव करा दो आप ये सारा वैल्यूज देखिए एक्सेलरेशन वेलोसिटी आप देखिए अल्टीमेटली वो लेंथ लैंथ टाइम में ही आपका डिराइव हो गया इसीलिए टाइम बोल द प्राइमरी डायमेंशन ये आपके सेकेंडरी क्वान्टिटीज है तो के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इसको हम थोड़ा फिजिकली बताएंगे तो के जी इज मास मीटर इज लेंथ टाइम इज टी रेस टू टू तो ये अगर देखेंगे तो एम वन एल वन टी रेस टू माइनस टू तो अब ये क्या हो गया एम वन एल वन टी रेस टू माइनस टू ऐसा यूनिट या न्यूटन बोल दो या फिर आप बोल दो मीटर पर सॉरी के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कुछ भी बोल दो कोई भी एक चलता है एनर्जी क्या है एनर्जी इज़ इन टर्म्स ऑफ जूल्स जूल्स जो है उसको हम कहते हैं न्यूटन इंटू मीटर न्यूटन को तो ही लिया हमने क्या होता है के जी मीटर पर सेकेंड होता है के जी मीटर पर सेकेंड इट इज तो ये हो गया के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये आपका जो एनर्जी का ऐसा जूल्स है और के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है अब ये क्या हो गया जी मीटर स्क्वाडिसम डायरेक्ट कर रहा हूं L raise to 2, और टी रेस टू माइनस टू क्योंकि पावर इज जूल्स पर सेकेंड या तो कहते हैं वॉट जूल्स तो मुझे मिल गया यहाँ पे के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वेयर तो जूल्स इज के जी मीटर स्क्वेर पर सेकेंड स्क्वेयर और वन अपॉन सेकेंड तो एक और था तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया के जी मीटर स्क्वेयर और सेकंड क्यूब तो इसको मास में लिखूंगा तो एम वन एल टू टी रेस टू माइनस थ्री पावर हो गया एम वन एल टू टी रेस टू माइनस थ्री और ये जो है या तो कह सकते हैं वॉट या तो कह सकते हैं जूल्स पर सेकेंड या तो कह सकते हैं ये चीज के मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब समझ में आया तो ऐसे अगर मैं चार्ट आपको दिखा तो सारी क्वांटिटीज का बहुत सारी तो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेरेशन फोर्स स्ट्रेस मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम मोमेंट टॉर्क वर्क एनर्जी पावर स्ट्रीम फंक्शन पोटेंशियल डेंसिटी ये सारे पैरामीटर्स जो है इनके सारे डायमेंशन लिखे हुए ठीक है अब डायमेंशन को देख के आप आराम से फाइंड कर सकते तो हो यूनिट क्या होगा ये एल और टी माइनस वन है तो ये एम मीटर पर सेकेंड है ये देख लो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है ये देख लो मास मतलब के जी पर मीटर क्यूब ये आपका डेंसिटी का होगा यस yes. समझ में आया तो डायमेंशनल होमोजिनिटी अब पढ़ते डायमेंशनल होमोजिनिटी क्या है डायमेंशनल होमोजिनिटीटी ये कहता है कि कोई भी इंजीनियरिंग में इक्वेशन अगर है कोई भी इंजीनियरिंग देखो ये ना ये आपको बहुत क्लू uh, भी देने वाला है कई बार आप इंजीनियरिंग में फॉर्मूला भूल जाते हो और या तो आपको ये पता नहीं रहता कि वहाँ पर स्क्वायर है कि क्यूब है क्या है उस पैरामीटर का तो ये देख करके बहुत आसान आसान से इसको यूज करोगे तो मिल जाएगा कैसे होमोजूनिटी ये कहता है एवरी एडिटिव टर्म इन एन इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशन इसका मीनिंग क्या देखते हैं मान लीजिए एक एक्जाम्पल दे रहा हूं मैं हम लोग बर्नोली इक्वेशन जो फ्लू में पढ़ता है हम ये बोलते हैं कि पी बाय रोजी प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेट इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अभी पी बाय रोजी जो है ना उसका डायमेंशन फाइंड करो पी मतलब प्रेशर प्रेशर मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो मतलब डेंसिटी मतलब के जी पर मीटर क्यूब जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब ये जो है ये मीटर उसको नीचे लेके आएंगे न्यूटन जो है उसको क्या कहेंगे फोर्स इनटू एक्सेलरेशन है वो तो इसको हम कह देंगे केजी इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इसको मैं थोड़ा और तोड़ता हूँ दिस इज योर केजी इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक और मीटर पर नीचे कर देता हूं मैं इनटू ये एज इट इज केजी पर मीटर क्यूब इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब देखते हैं ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब बन गया एक क्यूब से कैंसिल कर लो दूसरा ये kg, kg cancel, second square, second square cancel, के जी के जी कैंसिल तीसरा सेकेंड स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल बचा क्या अल्टीमेटली मीटर तो इसका जो टोटल यूनिट कितना बचा मीटर बचा अब डायमेंशनल का मतलब क्या है कि जितने भी पैरामीटर्स ऐड हो रहा है ना तो यहां आपका अगर ये टर्म है ये पूरा टर्म ऐड हो रहा है कैन ओनली एक कहावत है यू कैन ओनली एड एपल्स विद एपल्स यू कैन एड ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस यू कैन नॉट एड एपल्स विद ऑरेंजेस तो यहां पर मीटर को मीटर पर सेकेंड से ऐड नहीं कर सकते अगर ये मीटर आया है तो ये भी मीटर ही आना चाहिए तो ये भी मीटर ही आना चाहिए तो इसका मीनिंग हम इसका फाइन करते हैं अभी वी स्क्वेयर बाई टू जी वी स्क्वायर क्या है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई टू जी टू का कुछ यूनिट नहीं होगा जी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब इसको तोड़ दो थोड़ा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वेर एक सेकंड स्क् कैंसिल मीटर एक मीटर कैंसिल अल्टीमेटली क्या बचा मीटर इसका मीटर आया चेक कर लो जेड का क्या होता है मीटर वी ऑल नो इट इज द हाइट तो ये कांस्टेंट सी होगा वो भी मीटर में ही होगा होना ही चाहिए कोई ऑप्शन नहीं सी के पास में राइट अब मैं कैसा कह रहा था आपको कि कई बार ये एग्जाम में अगर फार्मूला भूल जाते हो तो होमोजेनिटी आपको हेल्प करता है इवन गेट की एग्जाम में इतने सारे बार क्वेश्चन आ गया है कि आपको फार्मूला पूछा है ऑप्शन में ए बी सी डी में तो फार्मूला आप हमोशुनिटी से फाइन कर सकते हो कि वॉट इज द फोर्स फोर्स आप, आपको पता है कि उसका जो फार्मूला दिया हुआ है उसके अगर डायमेंशन मल्टीप्लाई करोगे तो आपका न्यूटन आना चाहिए कई बार उससे क्रैक हुआ है आंसर अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको पता नहीं है कि भाई वी स्क्वायर बाई टू जी है कि नहीं है तो ये वी स्क्वायर है कि खाली वी है ये भूल गए आप तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं कि भाई मेरा मुझे याद नहीं है सर कि वी बाई टू जी है फॉर्मूला में कि वी स्क्यर बाई टू जी है बट आपको इतना याद है कि भाई जेड तो ऐड कर रहा है तो जेड मीटर में है तो मतलब यहां पे जो भी होगा वो मीटर में ही आना चाहिए यूनिट उसका तो चेक कर लो पहले इसका यूनिट मीटर में आता है क्या चेक कर लो v इज मीटर पर सेकेंड g इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये कैंसिल ये तो आपका वन अपॉन सेकेंड आया मतलब ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज जेड आप एड कर रहे थे फार्मूला में सेड का यूनिट मीटर इसका चेक कर लो फिर इसका चेक करोगे तो आपका मीटर आएगा तो, तो दिस इज द करेक्ट आंसर तो कई बार एग्जाम्स में ये होमोजेनिटी यूज करके आप फाइंड कर सकते हो कि फार्मूला करेक्ट है गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां पर भी देख लो हम लोग जो फ्री फॉलिंग बॉडी का इक्वेशन यूज करते हैं राइट right? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय दी फ्री फॉलिंग बॉडी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस वन हाफ जी टी स्क्र आप कोई भी टर्म देख लीजिए इसका भी देख लीजिए इसका भी देख लीजिए इसका, इसका भी तीनों का डायमेंशंस एक ही आएगा डी तो आपका मीटर में होता है ये कितने देखो यू इज मीटर पर सेकेंड टाइम इज सेकेंड क्या आया फाइनली मीटर ये चेक कर लो जी इज मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर Time is second, उसका स्क्वायर कैंसर खाली क्या बचा मीटर समझ में आ रहा है भाई तीनों मीटर 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 होना ही चाहिए कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास हम लोग जब इसको से कर रहे थे तो हमको यह नहीं पता था कि भाई ये म्यू का यूनिट क्या होगा तो हमने क्या यूज किया हमने ये यूज किया कि भाई स्ट्रेस का यूनिट मुझे पता है इसका यूनिट मुझे पता है तो यूनिट का निकल जाएगा कैसे दैट यूनिट ऑफ टाव शुड बी इक्वल्स टू यूनिट ऑफ म्यू इंटू डी यू बाई ये आप कह सकते हो पॉसिबल है क्योंकि करना ही होगा डाइमेंशनल होमोजेनिटी के हिसाब से अब इसका मीनिंग यूनिट ऑफ म्यू इन टू यूनिट ऑफ डी यू बाई डीवाई शुड बी इक्वल्स टू यूनिट ऑफ टाउन यस और नो अब इसको नीचे लेके आ जाओ आ, ये चीज को तो क्या बचेगा यूनिट ऑफ म्यू इज इक्वल टू यूनिट ऑफ टाउनिट ऑफ डी यू बाई यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ टाउ बा हमने ये किया हुआ है टाओ का यूनिट क्या है स्ट्रेस है पास्कल या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो इसको डी यू बाई डीवाई का यूनिट क्या है डी यू इज वेलोसिटी चेंज वाई इज डिस्टेंस तो मीटर पर सेकेंड और नीचे आपका ये है वाई तो मतलब मीटर तो ये कैंसिल हो गया सीधा पर सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ये आ गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो आपका फाइनल यूनिट है म्यू का इसको और तोड़ दोगे न्यूटन नु, को के जी इंटू मीटर पर सेकेंड तो जाएगा और आगे मीटर पर सेकेंड ये कैंसिल ये तो क्या बचा के जी पर मीटर सेकेंड जो आप लोग यूज करते हैं क्लियर हुआ तो डायमेंशनल होमोजेनिटी आपके कहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी इंजीनियरिंग में सो so, डायमेंशनल होमोजेनिटी यही कहती है कि जो टर्म्स आपके इक्वेशन में आते हैं उनके सारे के डायमेंशन सेम होने चाहिए और वही यूज करके आप आगे कुछ बहुत सारे फ्लूड में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं हम लोग देखने वाले आगे डायमेंशनल एनालिसिस में कि उसको कैसे यूज करना है आगे थैंक यू सो मच सी यू इन द नेक्स्ट क्लास